हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्सेस कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। किस टाइप की बिल्डिंग आपकी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में आती हैं और किस टाइप की बिल्डिंग आपकी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में आते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि फ्लैट, डुप्लेक्स ये किस में आते हैं, शॉपिंग मॉल किस में आते हैं, तो ये आज मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। दोस्तों, देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चैनल का नाम आप याद रखें फील्ड वर्क एक्सपर्ट। देखिए दोस्तों, क्या होता है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, किस टाइप की बिल्डिंग आती है आपकी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में। देखिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग, जैसा कि आपने देखा होगा फ्लैट अपार्टमेंट बिल्डिंग जो रहती है वो आपकी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में आती है। डुप्लेक्स हाउसेस, फोरप्लेक्स हाउसेस, डिटेच हाउसेस एंड सेमी डिटेच हाउसेस एंड टाउनशिप, ये सारे जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है आपके, हाउस और होम कंस्ट्रक्शन है, ये सारे आते हैं आपके रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में। यहां से एक बात क्लियर होती है कि जितने भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं रहने के लिए, वो सारा आपका रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में आता है। क्लियर, पढ़िए। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंशियल बिल्डिंग आर मोस्ट ऑफ्टन कॉल्ड दी हाउसेस और होम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग आर बिल्ड बाय यूजिंग बीम, कॉलम एंड जनरल स्लैब। जैसा कि आपको मालूम है, नॉर्मली जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बीम, कॉलम और स्लैब का ही करते हैं, मोस्टली, चाहे कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। इट रिक्वायर हैवी वर्क। रेजिडेंशियल बिल्डिंग इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिल्डिंग। क्लियर, अगर हम बात करें कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन की, इसमें किस टाइप की बिल्डिंग आती है दोस्तों, एज्यूम करिए। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें हमें घबराना नहीं है कि किस टाइप की बिल्डिंग आती हैं, तो बहुत सारे हैं। जितना भी हम बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं बिल्डिंग, तो आपकी सेम ही रहेगी। उसमें अगर हम बिजनेस यूज कर रहे हैं तो वो हमारा कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन है। देखिए, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन इज द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड सेलिंग और लीजिंग। ये वर्ड याद रखिए, सेलिंग और लीजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्लांट्स, मेडिसिन सेंटर एंड रिटेल शॉपिंग सेंटर एंड स्टैंडर्ड स्पेस फॉर ऑफिसेस, बिजनेस वेरी प्राइमरी इन द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका शोरूम है या आपका मॉल है या आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या मेडिकल सेंटर है या रिटेल शॉपिंग सेंटर है या स्टैंडर्ड ऑफिस मेंटेन किए हैं आप या आपकी छोटी मोटी शॉप है, तो ये सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन है ये आप हमारे कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन में आएंगे। ऑलमोस्ट ऑल दी कंस्ट्रक्शन आर डन बाई यूजिंग फ्लैट स्लैब, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था बीम कॉलम वही है। बिकॉज ऑफ लेस कंस्ट्रक्शन टाइम इट इज इजियर टू कंस्ट्रक्ट एंड रिक्वायर्ड चीपर फॉर्म वर्क। तो जो घर हम बिजनेस पर्पज के लिए, जो घर और बिल्डिंग हम यूज कर रहे हैं, मॉल या उसमें शॉप आप खोल रखे हैं, तो वो सारा हमारा कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए है। बहुत सारे डिफरेंस रहते हैं। अगर आप कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन का डिजाइन कराना चाहते हैं तो आपके अलग स्टैंडर्ड होंगे, अगर आप रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का डिजाइन कराना चाहते हैं तो उसका अलग स्टैंडर्ड होगा। जैसा कि आपको नॉर्मली मैं आपको बता दूं स्टेयर का, जनरली आपने देखा होगा कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन में आपकी स्टेयर की वेट बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पे आपका पब्लिक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे या अप डाउन होता है या बहुत ज्यादा लोग बाग आना जाना रहता है, जबकि हमारे घर में स्टेयर की वेट नॉर्मली 4 फीट के आसपास रहती है, क्योंकि वहां पे हमें मालूम है एक या दो लोग ही एक साथ चल सकते हैं। जबकि कॉमर्शियल बिल्डिंग में या कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन में आपको मालूम है पब्लिक प्लेस पे स्टेयर की विड्थ क्या रहती है, नॉर्मली आपने देखा होगा मेट्रो सिटी में किस टाइप की स्टेयर की विड्थ रहती है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसी के हिसाब से हमें डिजाइन करना होता है कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।